हमारे नेपाल नेपाल से भाई का ये स्पेशल नेपाल से मैच देखने आए हैं और इनों की टीम है। काफी मजा, कैसा लगा आपको मैच देख के? मैच था लेकिन आज जगड़ी जब मारने स्टार्ट किया तो क्या लग रहा था आपको? तब तक तो हो रहा होगा थोड़ा बहुत, एक ओवर में 28 रन। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली अभी मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, आज बरकोट में ब्लॉग शूट करेंगे, बरकोट गांव में ब्लॉग शूट करेंगे, क्योंकि आज बरकोट गांव में फाइनल मैच होने वाला है क्रिकेट का। दो खतरनाक टीम है और दोनों ही टीमों में खतरनाक बैट्समैन, एक से बढ़कर एक गेंदबाज, एक से बढ़कर एक ऑलराउंडर। और बरकोट गाँव में पॉल गाँव फर्स्ट ए पोल से एंटर हो चुकी है फाइनल में और दूसरी बी पोल से जो एंटर हुई है अमुबाई की टीम, तो दोनों के बीच आज ताबे तोड़ मैच होने वाला है। तो आज आपको लेके चलते हैं बरकोट, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो आज का जो मैच होना है बरकोट गांव में पोल गांव वर्सेस दूसरी टीम का नाम क्या है? एसडीआरएफ बरकोट। एसडीआरएफ बरकोट और पोल गांव के मध्य जो मैच होना है काफी मजेदार मैच होने वाला है। और पोल गांव के हमारे कैप्टन आशीष जगोड़ी जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपको बधाई फाइनल में पहुंचने के लिए पोल से, और कैसे तैयारी करके आ रहे थे? बस मन में सोच के आ रहे कि जीतना है। टॉस से जीतते हो तो क्या लेना पसंद करोगे आप सबसे पहले? अभी तो मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी मैं पहले ग्राउंड की कंडीशन देखूंगा, उसके बाद निर्णय लूंगा कि क्या करना है। भाई के पास जिन्होंने अपनी 11 एसडीआरएफ 11 उतारी है ग्राउंड पे, तो अमित भाई सबसे पहले आपको बी बॉल से पहले में जाने की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा नाराज हूँ आपसे कि आपने मुझे टीम में नहीं खिलाया। और दूसरी बात यह है कि किस प्रकार की तैयारी करके आए हो आप? अभी अब गेम नहीं देखा। क्या सोच के आए हो आज आप ग्राउंड में? क्या सोच के उतरोगे ग्राउंड में? हम ये सोच के आ रहे हैं कि हम मैच फाइनल जीतेंगे। अगर आज आपकी पहली बैटिंग आती है तो आप कितने रन बनाने की और जाओगे? 100+ 12 ओवर में। हमारे अरुण भाई भी हमारे साथ हैं, जो कि रामाई के सबसे बूढ़े मतलब सबसे सीनियर बॉलर हैं। अरुण भाई कैसे तैयारी? अब मैंने सुना आप रात को बल ओवरे में तैयारी कर रहे थे। बॉलिंग सही बात है यार, तैयारी तो कर रहे हैं। चिन्ना लोग मुझे बड़ा मैच है, टीमों के साथ मैच है, जो ग्रामीण के हिसाब से बहुत अच्छी टीम है। ग्रामीण के हिसाब से जो पोल है वो सबसे बेस्ट टीम रामाई घाटी की है, और इसमें बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, आशीष जगोड़ी, सुमित जगोड़ी, संतोष जगोड़ी और नीरज जगोड़ी, नीरज जगोड़ी और संदीप जगोड़ी। एक पहाड़ को आप आउट करोगे तो दूसरा पहाड़ तब तक तैयार होता है आपको। दूसरी बात, बगल में जो मैच हुआ था इनके साथ, वहाँ पे जो आपकी जो बॉलिंग है, खास नहीं मैच में क्या कारण था? क्या कहीं इंजरी हुई थी हाथ में? नहीं, हमारे जो बल्लेबाज थे जैसे आरडी हो गया। नहीं, आरडी तो दो छक्के मारे थे वहाँ पे। आरडी पहुँचे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और टॉस करवाएंगे हमारे बीच। और ये कॉल मिलती हुई पॉल गांव को, हेड इज द कॉल। और ये और एक पॉल गांव टॉस जीत चुका है, यहाँ पे बहुत बड़ी जजा दे। तो दोस्तों, अभी अभी मुझे आदर रावत ने बताया कि आज बरकोट गांव में प्रोग्राम भी, और अतर शाह और अज्जू तोमर भी पहुंच रहे हैं आज, तो काफी मजा आने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो दोनों अध्यक्ष संजय टमटा और भरत उनियाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय टमटा जी, आपको UK10 बरकोट की तरफ से ये जो मैच टूर्नामेंट आप करवा रहे हो बरकोट में, तहे दिल से आपका आभार। जो युवाओं के लिए जो आप एक काम कर रहे हो, प्रत्येक साल आप एक टूर्नामेंट का आगाज करवाते हो बरकोट में, क्या कुछ कहना चाहोगे आप मेरे व्यूअर्स के लिए? देखो, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद UK10 बरकोट के लिए, क्योंकि आप आए यहाँ पे और ये चीज बाहर भी दिखाना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और मैच कराने का केवल ये मोटो है कि मतलब सब जगह मैच होता है, और अगर बरकोट सेंटर में मैच ना हो तो कैसा लगेगा। और 4 सालों से हम ये करवा रहे हैं और खुद भी मैच से रुचि रखते हैं, इसलिए जो है करवा रहे हैं कंटिन्यू। अभी जो ये मैच आपने करवाया है, ये शायद मुझे लगता है कि क्षेत्रीय और ओपन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण और ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट लेवल का, लेकिन जो सीजन 5 आने वाला है, क्या उसमें ओपन हो सकता है उत्तराखंड के लिए? देखो, सीजन 5 का अभी कोई फिक्स नहीं है, होता है नहीं होता है, लेकिन अगर होगा तो मुझे लगता है कि शायद ग्रामीण ना हो, सीधे डायरेक्ट ओपन हो, दोनों ग्रामीण पोल बंद हो जाएगा शायद,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पिच है काफी बढ़िया पिच है और मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टेट लेवल मैच होने चाहिए और जो प्राइस है समथिंग 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमसे मिलिए, प्राइस का हम करवाएंगे बिल्कुल, जितना हमसे हो सकता है। आपका सिस्टम इनकम जो जितनी भी आपकी आती है आप उसमें से भी हमें सहयोग, हाँ अपनी इनकम से मैं आपको 20% डोनेट कर दूंगा अगले सीजन में। आप हमसे मिलिए, हमारे होटल में आइए, ठीक है, और हम सिस्टम फाड़ के रख देंगे बरकोट का। इसके बाद उस सीजन ये मैच स्टार्ट होने वाला है और पौलगाव ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया है और आमंत्रित किया है एसडीआरएफ की टीम को। तो देखते हैं एसडीआरएफ कितना का स्कोर खड़ा कर पाती है पौलगाव के सामने। अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भिजवा दे क्योंकि यहाँ पे कई बात में आ गया ना बोल सामने से मारा विकेट संजय मुंडा को पार किया पक्की विकेट खतरा हो सकता है और ये पहली बॉल पहला झटका लगता हुआ वहां पे एसडीआरएफ के टीम को। उतने उनका बॉलर आशीष जागुरी काफी अच्छी गेंद पार दे आशीष जागुरी चले राइट आर्म मोड़ पद की विकेट काफी अच्छी बॉल वहां पे थोड़ा सा आशीष जागुरी एक बार फिर सामने बिक्की काफी अच्छी बॉल धकेल दिया है वहां पर स्लिप की ओवर द विकेट अंपायर संजय मुंडा को पार किया काफी अच्छी बॉल और ये चले राइट आर्म ओवर द विकेट सामने खतरनाक बल्लेबाज बिक्की अपील वहां पर और ये दूसरा विकेट खतरनाक खिलाड़ी आशीष जागुरी हेलो मजा आएगा भाई फाइनल मुकाबला और कहीं ना कहीं दूसरा ओवर 51,000 और थारे फिर से काफी अच्छी टाइमिंग बॉल दे देखते हैं पहली बॉल चले धीरज विजय के लिए उठाकर खेल दिया है बॉल सिमाने का किया चाहती हुई 6 रनों के लिए वहां पे उनके पलक तपलियाल और एक काफी अच्छी बॉल थोड़ा स्लोर बॉल डाली पहली बॉल स्लोर बॉल से शुरू किया वहां पे ओवर मिसलर करते हैं सुमित जागुरी वहां पे काफी अच्छी बॉल मेरे क्या था बहुत खतरनाक खेलर मेरे का हो सकता है हुआ क्या से खूबी थी हुनर दिखाया उन्होंने स्लोअर बॉल और ये बैटर वाला कोई संपर्क नहीं और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बॉल गांव के खेमे में और अतिरिक्त रनों पर रोक लगाना सामने सुमित चिन्ना पटकी हुई गेंद और फिर अब चले राउंड द विकेट सुमित चिन्ना काफी अच्छी बॉल प्लेसमेंट किया पहली मर्तबा प्लेसमेंट किया ने पलच फुल टॉस गेंद चलता हुआ काफी अच्छी बॉल बीट किया वहां पे पूरा सपोर्ट चाहिए भाई काफी अच्छी गेंद बताने के लिए ये बीआरपी बॉक्स के नीचे जो बैट रखे भाई वहां से खड़े हो जाए नीचे सारे गोल पटकी हुई गेंद पटकी हुई गेंद हां आप लोग जितना लो चले बॉलर सामने पलक्स और जितनी अच्छी बॉलिंग बॉलिंग वहां पे पौलगांव की ऐसे रैप चुप और ये उठा के खेल की तरफ पैट कमिंस काफी अच्छी बॉल थोड़ा नीचे जरूर रही बॉल लेकिन अच्छे से प्ले गोलू और ये बॉल आई और बॉल गई सीधा फुल टॉस गेंद सुमित चगुड़ी वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग सुमित चगुड़ी की भाई के बंदा ना चले यही गुजारिश करेंगे वाइट अतिरिक्त रन वहां पे एसडीआरएफ और स्लोर बॉल बॉल हवा से बात करती हुई जाती हुई नाला सुबाड़ा में और देखते हैं जब तक फील्डर बॉल को कलेक्ट कर पाते दो रन वहां पे आसानी से चुरा लिए कौशल जगह और ये बॉल जाती हुई लेकिन डिपर काफी अच्छी बॉल थोड़ा सा डेढ़ बल्ले से दूर रखा इस गेंद को
मुझे लगता है शेर बूढ़ा हो चुका है। बढ़िया जो गेंदबाज है और अब आए हैं विशाल गल्लू और सामने चले विशाल गल्लू सामने पहली मरतबा और खेल दिया है यहाँ पे ऑफ साइड में फील्डर मौजूद। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे विशाल गल्लू को और पलक्ष अकेले ही पूरे टीम को संभाल के रखा है। 40 रन के नीचे स्कोर पे पलक्ष अभी खेल रहे हैं। छठे ओवर का खेल प्रगति पे उमदा किस्म के बल्लेबाज पलक्ष थपलियाल अभी भी ग्राउंड पे मौजूद और पलक्ष थपलियाल एक बार फिर से सामने होंगे। पलक्ष थपलियाल चले बॉलर देखते हैं इस बॉल पे छक्का हो सकता है और ये कैच हो सकता है लेकिन कैच छोड़ दिया है वहां पे कैच छोड़ दिया है। बहुत बड़ी विकेट और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पॉल गांव के खिलाड़ियों को। सामने विशाल गल्लू और ये मारने का प्रयास लेकिन बैटर बॉलर का कोई संपर्क नहीं और सुमित चिन्ना चले सामने पलट थपलियाल 40 रन के नीचे स्कोर पे और ये बॉल जाती है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और 47 रनों के नीचे स्कोर पे खेल रहे हैं पलक्ष सुमित चिन्ना सामने पलक्ष और ये फिर उसी दिशा में खेल दिया है और भाई 50 रन पूरे हो चुके हैं 50 रन पलक्ष बल्ला उठा दे भाई। दो बॉले दो छक्के तीसरी बॉल सुमित चिन्ना और ये कैच हो सकता है भाई और ये कैच आउट गए। दो बॉल में दो छक्के खाए थे लेकिन तीसरी बॉल में अपना शिकार कर दिया वहां पे पलक थपलियाल का और अब आए हैं अरुण परवत पहली मरतबा सुमित चिन्ना के सामने होंगे अरुण परवत जो कि अरुण परवत लंबे लंबे चक्कों के लिए जाए जाते हैं कभी कभी अगर बॉल बल्ले पे लगी तो सीधे बाहर जाएगी भाई और ये रोक के खेलने का प्रयास वहां पे और लेग बाय का एक रन और विशाल खामोश है एक तरफ से विशाल काफी अच्छा खेलते हैं विशाल लेकिन खामोश करके रखा है वहां पे सुमित चिन्ना ने और ये बॉल जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए ना 5 बॉल है 3 छक्के 1 विकेट छठी बॉल और ये धकेल दिया वहां पे एक रन के लिए। इस ओवर में 19 रन आए 1 विकेट पलक थपलियाल का जगुड़ी पहली मरतबा सामने होंगे विशाल गल्लू के और ये खेल दिया ऑफ में वहां पे एक रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे जगुड़ी के सामने अरुण परवत और ये कैच आउट और ये आउट है भाई। तपा अमित रावत सामने होंगे आशीष जगुड़ी अमित रावत अम्मू भाई नहीं दिख रही लेकिन शेर बूढ़ा हो चुका है भाई अरे बॉल नहीं दिख रही और फिर से सामने अमित दड़वा भाई हमारे सामने आशीष जगुड़ी और ये कैच हो सकता था लेकिन मिसफील्ड वहां पे थर्ड मैन के द्वारा विशाल गल्लू सामने आशीष जगुड़ी बॉल मिस होती है बॉल छक्का फ्लैट सिक्स वहां पे है विशाल गल्लू के सामने आशीष जगुड़ी चले पटकी हुई गेंद वहां पे स्विंग करवाई
एक बार फिर सामने विशाल गल्लू, देखते हैं इस बॉल पे छक्का या आउट। छक्का, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ना। सामने अम्मू भाई, छक्का होगा भाई इस बॉल पे। सुमित चिन्ना सामने आए और ये बोल्ड, डग आउट में वापस वहां पे सुमित चिन्ना सामने एक बार फिर। काफी अच्छी बॉल, सुमित चिन्ना सामने सचिन, आउट है, आउट है। क्या बोल रहा हो? चिन्ना सामने कविंद्र, काफी अच्छी बॉल वहां पे, ओवर समाप्त। और ये विशाल गल्लू चार रनों के लिए, सामने विशाल गल्लू दूसरी बॉल, पहली बॉल में छक्का, दूसरी बॉल में छक्का हो सामने विशाल, तीसरी बॉल और ये व्हाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बॉल, गोलू सामने विशाल गल्लू और एक काफी अच्छी बॉल वहां पे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, गोलू और एक काफी अच्छी बॉल वहां पे, यॉर्कर लेंथ वहां पे, विशाल गल्लू कुछ नहीं कर पाए, मात्र मूर्ति बन के खड़े रहे वहां पे विशाल गल्लू। एक बार फिर गोलू चले पांचवी बॉल लेके सामने विशाल गल्लू, विशाल गल्लू और ये घुमा के फेंकी बॉल और ये बॉल जाती सीमा रेखा से बाहर, छह रनों के लिए भाई, दो छक्के इस ओवर में। दे वहां पे गोलू सामने विशाल, लास्ट बॉल और ये बॉल घूमती हुई, देखते हैं जब तक दो बॉल और ये आउट, मैच खत्म। इसमें दो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्या कहना चाहोगे सर आप? कैसा लगा आपको, आप आउट फॉर्म चल रहे हो इस मैच में? नहीं, ये तो मत कहिए कि आपने काफी टाइम से निकला, जितने भी टूर्नामेंट अभी बर्कोट में हुए इस बार सारे में आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या हुआ इस मैच में, कहीं ना कहीं आप दबाव में थे, विकेट जल्दी निकल गए थे एक दो, उसके बाद थोड़ी स्लो खेलना पड़ा, थोड़ा दबाव में आप दिखे जरूर, हाँ इस चक्कर से, लेकिन दबाव से उबरना आप जानते हो, लेकिन वो आप जो नरुड़ खेड़ा में जो आप चौथे पांचवे डाउन पे जाते थे वहाँ पे तो आप बड़े बड़े छक्के मारते थे, ये वार्मअप मैच था मेरा, नेक्स्ट मैच देखिए आप, नेक्स्ट मैच तो अब होगा ही नहीं सर कहीं, मैं देखूं आपको, है वहाँ तो आईटी में तुम छक्के मारते हो दबा दबा के, प्रोला प्रीमियर लीग में वहाँ पे है। सचिन के सारे चले काफी अच्छे, चलो ये तो लगता है कि आगे चलेंगे क्या, चले जाओ काफी अच्छे, पूरे ऊपर आते होगा मनीष बड़ा विशाल गुरु ऊंचा ऊंचा उतर गए क्या, आप खड़े रहे आज तक बॉल नहीं आएगी, चले बाकी का प्रयास, ये गांव का है भाई, वो हेड गेट अतिरिक्त ग्रैब मैच खेलते राइट और समय आशीष के लिए, चलो शाबाश, चलो चलो चलो
पूरा मौका जी हाँ शुरू हो जाए। राइट बढ़िया फ्री 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 शाबाश फ्री खेलूंगा चलो पांच ओवर छह ओवर समाप्त 65 रन जीत को 120 रन की जरूरत। पहली मरतबा अरुण भाई सामने होंगे आशीष जगुड़ी और आशीष जगुड़ी ने अभी 6 बॉलों पे 28 रन बना लिए हैं कुफारा की गेंदों पे। देखते हैं इस ओवर में क्या कुछ होगा। अरुण प्रभात पहली बॉल सामने आशीष जगुड़ी और ये वाइड बॉल चले अरुण प्रभात सामने आशीष जगुड़ी अरुण प्रभात पहली बॉल एक रन दूसरी बॉल दूसरी बॉल में एक रन प्रभात तीसरी बॉल सामने आशीष जगुड़ी साफ एक बॉल चौथी बॉल सामने आशीष जगुड़ी पांच दो बॉल मैच खत्म भाई बॉलों का मैच खत्म। अरुण प्रभात पांच बॉलें दो रन और एक विकेट वो भी आशीष जगुड़ी का और इससे पहले ओवर में आशीष जगुड़ी ने 28 रनों की ताबे तोड़ पाड़ी 4 छक्के 1 चौका। अरुण प्रभात अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का सातवां ओवर और लास्ट बॉल अरुण प्रभात चले अरुण प्रभात इनकी लेंथ भी काफी बढ़िया बॉलर सामने गोलू लेंथ भी बॉल आते हैं और दिखा दिया है नाला सुपाड़ा में देखते हैं कब फील्डर क्षेत्र से करवा देते हैं। लंबी दाढ़ी के आदमी दो रन गिरे ना दे लंबी दाढ़ी के आदमी ना प्लेयर चले अरुण तो है तुम का बॉलर भाई तो है तुम का गेंदबाज की खतरनाक फील्डर यहां पे स्लिप में मौजूद टिकटॉक भाई अपने इंस्टाग्राम पे पूरा मैच का लुक उठाते हुए और अब ओवर दिया है कौशल जगेड़ा को 18 बॉलों में मात्र 45 रनों की जरूरत क्या पोलगांव बना पाएगी इस स्कोर को। चले आशीष जगुड़ी पवेलियन की ओर ने 45 रन के नीचे स्कोर पे सबसे सुस्त प्लेयर दूसरी टीम का चले गेंद सचिन यहाँ पे मौजूद लेकिन आउटफील्ड खराब एक रन आसानी से दूसरे की उम्मीद रन आउट से बचे भाई दूसरी बॉल पहली बॉल पे दो रन दूसरी बॉल स्लोअर बॉल वाइड बॉल चल जाएगा तीसरी बॉल और उठा दिया है 6 रनों के लिए 9 रन कौशल जगेड़ा 2 बॉले 9 रन पहली पे सिंगल डबल दूसरी वाइड तीसरी पे छक्का चौथ फुल टॉस गेंद और ये सिंगल 3 बॉले 10 रन और अभी भी मात्र 38 रन दूर और हमारे बीच में 14 बॉलों पे 38 रन हमारे स्वागत कुछ इस तरह से चले नचा नचा के उनको लेके आ रहे हैं स्वागत है बिलाल भाई कैसा जगड़ा सामने हमारे चले लास्ट बॉल कौशल जगड़ा की स्लोअर बॉल और धकेल दिया नाला सुपारा में दो रन आराम से वहां पे ओवर 12 बॉलों में 35 रन की जरूरत 12 बॉलों में 35 रन की जरूरत के बीच में युवा नेता विनोद डोभाल सुपुत्रु भाई पहुंच चुके हैं अबे उड़ान दे मी और दोनों टीमों से मिलते हुए विनोद भाई और पुत्रु भाई और हमारे साथ हमारे युवा नेता मन्नू डोभाल मन्नू रावत
ये पहली मरतबा 12/35 रन और खेल दिया है हमारी तरफ और फील्डर भी और बॉल भी हमारी तरफ आते हुए एक बार में और काफी मतलब मैं कहूंगा काफी खराब फील्डिंग यहां पे। कितने मैच खेल ले तूने? लो पहली बॉल पे एक रन, जीत को 34 रन 11 बॉल में विशाल 10 गेंदे 33 रन विशाल चले गल्लू काफी अच्छी बॉल है यार गली बॉल है यार तेरी गली आज सब चौथी बॉल गल्लू चार बोले एक रन एक विकेट नहीं बल्लेबाज चले विशाल आप चलो यार बहुत एक शाबाश 7 गेंदे 33 रन 51000 काफी अच्छी बॉल विशाल एक दो रन दिए एक रन दिया भाई एक एक विकेट एक ओवर 6 बॉलों में 34 रन की जरूरत 33 रन की जरूरत 6 बॉल है 33 रन विजय 6 बॉल है 33 रन 6 बॉल है उठा जा ऊंचा पीछे हिटर मौजूद और कैसे 33 रन 5 बॉल 33 रन एक एक रन से कुछ नहीं होगा बड़े हिट अच्छा बेटा 4 रन 4 बॉल 29 रन 9/7 विकेट एक छक्का तो दिखा दिया है 3 बॉल है 23 रन आउट आउट 3 बॉल एक माने का प्रयास फिल्डर मौजूद राउट भाई भाई ये देखो ये स्टंप उखाड़ देंगे पहले ही ये देखो ये देखो देखो ये हमारे कैप्टन ये बॉलिंग 3 विकेट लिए तूने और 36 रन बनाए कैसा लग रहा कैसा लग रहा इससे ज्यादा अच्छी वही तो बोला बहुत बढ़िया थोड़ा सा गले मिल जा थोड़ी सी झुक ये बढ़िया क्या ओवर निकाल लो क्या ओवर निकाला है आपने क्या ओवर निकाला है और हमारे नेपाल नेपाल से भाई का ये स्पेशल नेपाल से मैच देखने आए हैं और इनों की टीम है काफी मजा कैसा लगा आपको मैच देखते ठीक था मैच था लेकिन आज इस जगह जब मारने स्टार्ट किया तो क्या लग रहा था आपको तक तो हो रहा होगा थोड़ा बहुत एक ओवर में 28 रन